देखिए आज तारीख है 3। अभी हम लोग वहाँ, ये 3 मई 2011 है। रामपाल जी के जो सबसे छोटे बेटे हैं अभय सिंह जी, और उनका नाती भोलू, और साथ में एक मिश्रा जी रहे और एक तिवारी जी रहे। तो सुबह ये लोग वहाँ ले गए वहाँ गंगा स्नान करने के लिए। तो गंगा स्नान हुआ, गंगा सफाई का जायजा लिया। वहाँ की सफाई व्यवस्था देख करके, वहाँ के पुकुन पंडा हैं और आपके दैनिक जागरण के संवाददाता जलमऊ क्षेत्र के धर्मेंद्र त्रिपाठी, वो लोगों से हमारी मुलाकात हुई। हम बहुत प्रभावित हुए उनकी व्यवस्था देख करके। सफाई तो एक अच्छी बात है। वहाँ से लौटे तो यहाँ मालूम हुआ कि आज हमको तमाम लोग हमसे मिलने आए थे। सबके सामने अपनी कोई ना कोई समस्याएं होती हैं, तो लोगों को मैं यही उपाय बताता हूँ कि आप ये करें, ऐसा करें, ऐसा करें। तो कुछ लोग आके बेचारे चले भी गए, तो बड़ा हमको अफसोस हुआ। भाई, किसी के द्वारा किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। बड़े बड़े पंडित जी बैठे हैं पूजा में, अब आदमी इंतजार कर रहा है। अरे, सबसे बड़ी पूजा वही है कि दरवाजे, पता नहीं किस भेष में कौन कौन आया हो। भगवान ही आए हों तो तुरंत मिलिए आप। खाना खा रहे हैं, खाना छोड़ दीजिए। पता आप दे पता लगे कि आप कोनो उठाई जी रहे हैं, पैसा मांगे दारू पिए के लिए, तो उनका तो भगा दो आप। उनको उनको ना पैसा दीजिए ना, मतलब अगर कोई आदमी आया है तो सबसे बड़ी पूजा यही है कि आप उसकी सुने। खैर, अफसोस हुआ। फिर भी यहाँ कम से कम 3 महिलाएं बेचारी बैठी हुई हैं, कुछ माले वाले लेके आई हैं बुलर वगैरह का, या कोई छोटी सी मूरत की भी व्यवस्था कर देंगे। तो उसी में लोग छुआ के, हम हों या न हों, लोग छुआ करके उसको किसी को खिला देंगे, दान में दे देंगे, तो उनका काम बनेगा। तो अब आई हैं तो हमने कहा भाई अब उनकी भी मन की बात पूरी हो जाए, और बाकी अब आगे के लिए तो हम पूरा प्लानिंग करके ही आएंगे। और यहाँ हर महीने के पहले मंगल में हमको आना है, और संभवतः महीने के आखिरी मंगल में फुर्सतगंज भी, या भाई देखा देखी पुण्य मुरारी बाबा भी बुलाना चाहेंगे। तो हमने कहा अच्छा, देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो हम जुड़े हैं, भाई देखिए, हमने तो अपनी उम्र में ये देखा कि बड़े बड़े राजे महाराजाओं को मैंने देखा, वो दान पुण्य नहीं करते हैं। जो रामपाल सिंह और रामपाल सिंह का परिवार और सारे बेटे इतने धर्मात्मा, इतने दानी प्रकृति के हैं, मैंने अपनी उम्र में नहीं देखा। तो हमने कहा जो जो राजा नहीं है और राजसी मिजाज का है, सबसे बड़ा राजा वही है। मिजाज से राजसी आदमी को होना चाहिए। तो रामपाल जी के हमने उसमें देखा। अब तो हम यहाँ से जुड़े हैं, बहुत ज़्यादा हम प्रभावित हैं उनके एक भी इशारे पर। हमको महीनों अगर भूखे बैठना पड़ेगा तो मैं बैठ जाऊँगा, और साधारण व्यक्ति नहीं है। रामपाल जी को खुद नहीं मालूम कि वो हैं क्या, उनमें कितनी शक्ति है, ये हमने यहाँ महसूस किया है, जो बड़ी गोपनीय बात है। और यहाँ हनुमान जी का तो खैर चमत्कार है ही। इस हनुमान धाम में हमारे साक्षात रामे बैठे हैं। अब राम हनुमान को कथा सुना रहे हैं, ये भी कलयुग की एक प्रधानता है, कलयुग का एक प्रभाव देखिए आप। तो ये स्थान है, अभी हमने डलमऊ में पंडा लोगों से कहा गंगा के किनारे, मैंने कहा, हमने कहा गंगा जी, गंगा जी, गंगा जी। अरे, इस हनुमान धाम से बड़ी गंगा कौन होगी, जहाँ पर द्रमो रस बच्चे पी रहे हैं, दिन भर पी रहे हैं। हम गंगा जी के किनारे गए, खाली गंगा जल लेकर गंगा, ये लोगों के दिमाग में फितूर है। गंगा जी है, ठीक है मानो, लेकिन ये देखो कि कहाँ क्या कार्य काम होता है। तो ये है हनुमान धाम मनहेरू का। यहाँ पर जो भी होता है दान में दिया जाता है, और मंदिर जितने हमने देखे हैं वो इकट्ठा करते हैं, वो मंदिर के नाम से पैसे कमाते हैं। रायबरेली में हर मंदिर में धंधा हो रहा है। अब हम कैमरे के आगे क्या बोलें, क्यों जब सुनेंगे तो उनको बड़ा बुरा लगेगा, क्यों बाबा जी सच काहे बोलते हो। अब वो चाहते हैं कि बाबा जी दारू पिए और बाबा जी झूठ बोले, तो बाबा जी झूठ तो नहीं बोलेंगे ना दारू पिएंगे, सच बात बोलेंगे। लेकिन अप्रिय बोलना पड़ता है। रायबरेली में ऐसे मंदिर हैं जिनके नाम से धंधा हो रहा है,
डलमऊ में जितने भी और भी मंदिर हैं कहीं चले जाइए, वहां सब माने मतलब है कि महाराज लेके आए हो तो देके जाओ। लेकिन ये हनुमान धाम मनेरू का एक ऐसा मंदिर है कि यहाँ लेके आओ और चाहे न लेके आओ कुछ लेके जाओ, कुछ नहीं होगा। अभी तो रथ का कार्यक्रम है, आने वाले समय में लोग घास फूस जड़ी बूटी कुछ भी लाएंगे, एक मूरत रखी जाएगी उसमें छुआवेंगे, जाके किसी को दान में दे देंगे, उनका काम शुरू हो जाएगा, काम बनने लगेगा। ये दरबार ही ऐसा है कि कुछ देगा भाई। यहाँ अगर आप मान लो डूब लेके आए हो तो डूब तो श्याम साधु खाई है ना, डूब आपने छुआ दिया, घास ले लो, डूब ले लो, कोनो ले कुछ ले लो और जाके कोनो गैया दे दो, बैल का दे दो, हैं तो मैं सौकासी है तो रोटी एक ले आओ छोट के, वही छुआ दो कुकरे को रोटी दे दो, है ना। तो आप आपका काम बनने लगेगा, कोई ना कोई काम बन। तो ये दरबार ही ऐसा, इसीलिए हनुमान जी ने हमको यहाँ बुलाया और जोड़ा। अब हम यहाँ से जुड़ गए, और मंदिर काहे नहीं जुड़े। चिरुआ मंदिर से मैं सालों से आ रहा हूँ जा रहा हूँ, कितने साल बीत गए वहाँ, केवल दे वो सेठ लोग जो पैसा देते हैं वही जाके मैं दे देता हूँ। मंदिर में चढ़ो, हम कहा सेठ जी बाहर गरीब बैठे हैं उनको भी दे, आप ये मंदिर में पंडित जी का खवाए आपके भला न हुई, सीधी सी बात। अब उन अपने बिरादरी के आगे नहीं कहा, नहीं हम चले जाइए दर्शन गाड़ी दही सार हम कहा कि सार बाभन के बुराई कर, बाभन का मिल रहा था सार टांगे अलावट, सच बोलो पहले गरीब को दो, वो उसके घर में तो भरा पड़ा है महाराज, अब आश्रम बनवा रहा है, आश्रम उनका बन रहा है। कोई जरूरी नहीं कि सुपात्र को दीजिए, भूखे को दीजिए, आप बच्चों को दीजिए। तो कुल मिला के ये देने वाला दरबार है। तो कई जगह हमने देखा, हमने कहा देखिए अब यहाँ से जुड़े हैं, तो अब ये महिलाएं बेचारी आई हैं, काफ़ी देर से बैठी हैं, वो अपने कुछ माला वाला पहना देंगी, महाराज जी कुछ मंत्र उच्चारण तो आप कर ही देंगे, एक आधा बोल दीजिएगा कुछ, ताकि उनका भी देखिए और उनका एक हौसला बढ़ जाए, है कि नहीं। तो जैसे माला नहीं आप मुंशीगंज में पहनावट रहे हैं, तो फूले नहीं नहीं अरे सब सब लागू होता है, सब लागू होता है। माफ़ कीजिएगा, हम जीवन में एक बार बजरंग बली से भी मंदिर में भिड़ गए, जब हमारी आम शान की बात आ गई। अच्छा अच्छा सब पूरा कर दो, ठीक है अपन कोशिश करो, जन उपाय बताइए वो उपाय का करत रहे हो, ठीक उपाय न उपाय वही बताइए जोने में तुम्हारा खर्चा न लगे। भाई गरीब आदमी कहाँ से ले, लेकिन मेहनत तो करना पड़ी थोड़ा सा, है ना, वही का हम उपाय भी आपका बता देवे। तो महाराज एक आध बार आप लोग खड़ी हो जाइए, माला आप बता दीजिए। ये महिलाएं आई हैं यहाँ मनेरू गांव के आसपास के सब गांव की औरतें हैं, ये माला डालेंगी, आइए। अब जो उपाय बताएंगे वही उपाय कीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। खाली बाबे का माला पहनाए से गोर लागे से ना पूरा काम बनी, जो हम उपाय बताइए वह उपाय करो, बैंक बैंक के साहब के बैंक के साहब के पूजा करो तो पैसा दे है बैंक के साहब ना दे है, बैंकवा में जमा करी हो तब मेरी कुछ, तो जो उपाय बताइए वह उपाय आप लोग करो, बस एक मिनट बैठ जाओ उपाय बता दे। तो आप एक मिनट और बना लें, हाँ अब ये बताइए आप आपको क्या आपकी क्या समस्या है, क्या तकलीफ है आपको? छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ आदमी नहीं है। अच्छा कौन चीज है माने पड़ता बहुत नहीं हो रहा। कितने बच्चे हैं? तीन तीन एक लड़की है, दो बच्चे। अच्छा आदमी नहीं, हाँ तीन खत्म। अरे खैर तो आप वो उस काम को करें और उस काम को अपने बच्चों से भी करावें, डांट के डपट करके, ये नहीं कि लड़का नहीं मानत, लड़का मानी कैसे ना, हमारी बिटिया कब आई तो महाराज जी खबर देंगे पहले से, तो इन महिलाओं को जरूर बताइएगा, है ना, हमारी बेटी ही आवेगी, हम उससे आशीर्वाद दिलवाएंगे, बड़े तपस्या किया है उसने। तो
तुम रोज दान तुमका करना है। दान काहे के दान करना है? खुरपा तो घर में होइबे करी, खुरपा से घास छोलो जाके, और जौन गांव में बूढ़ गैया हुए बूढ़ वही क्या माने ठीक, इतना काम रोज करो। नहीं नहीं बूढ़ गैया का अगर कोई टुटका माने तो बूढ़ बैल जौन हुए वो क्या देगी? अगर कोई देखिए कहने तो बूढ़े के खिलाफ, अगर बूढ़ गैया कोई मनाई मना करे मना करे तो आप जो है फिर यहीं आकर के डूब छील करके गौ माता को दे दीजिए, ज्यादा नहीं गट्ठर भर थोड़ा सा, कहे दो मिनट का आपका खर्चा होगा बस। गरीब आदमी है वो तो मेहनत हो करेगा काम वो करें कि जो आसानी से हो जाए। अब ये नहीं कि हमें गैया के तुम कस के खवाओ, अब गरीब मनाई बेटवा बीमार है और लिए खुरपा जीती है, नहीं, किसी को तकलीफ देना महापाप है। अगर हमारी वजह से आपको तकलीफ हो गया हमको पाप लग जाएगा, हमारी शक्ति कमजोर हो जाएगी, तो आप ये करें ठीक, करते रहिए तो धीरे धीरे भगवान जो है वो सब तुम्हारे रास्ते। देखो ये कर्म होगा, गाय की सेवा हो गई, साधु के वचन का पालन हो गया है ना, एक साधु ने आपको मंत्र दिया है तो उसको भाई करो, तो उसमें आप बड़े बड़े काम बनेंगे। और कौनो कौनो दुख आवे तो कबो घबराओ ना, कहो काहे यह मन में सोचे कि अब हमका तो बाबा बताएंगे हैं नीक काम करे के, और जहाँ तुमका कोई सताई तुमका परेशान करी वही के घर में मुसीबत घुस जाई, अपने आप ही मुसीबत घुस जाई, तुमका कुछ करें के न पड़े। याद रखो कर्म ऐसी चीज होती है ना, कर्म में ताकत है, तो ये है। और फिर हम आवाज जात रह गए अपन बताए, आप बताइए अपना। अच्छा अच्छा, तो एक बार तक मैं अच्छा, तो आप भी वही काम जो हमने इनको बताया है आप भी वही काम शुरू कर दो, इतना घास छील करके वही तुम्हारा लगी का और जाके गैया का दे ठीक रोज, लेकिन नागा ना हो। और अगर नागा हो जाए कोई वजह से तो दूसरे दिन वही के मात्रा बढ़ाए दे, और बस इतना इतना नहीं बस इतना, अब इतना तुम डाल दिन हो इतना तुम डाल दिन हो उनका गौ माता का तो मतलब हुई। तो आपका भी आपका इस जब देखिएगा उसमें, और हर तरफ भाग दौड़ भाई बिना जो लड़का रोवत वही दूध पावत, तो चारों तरफ दौड़ धूप करी हो तो सब जो उनको जैसे मने के सौकाती हो तो उन मदद करवे करी ठीक है ना। आप भी वही में भाई करके देखो, हम महीने में एक बार तो आने आना हमका है, अभी महीने में हम यही महीने में 15 दिन के बाद जाइए, हमारी बिटिया दिल्ली से आए वाली तो उसका हिया हम बुला के इतने हाँ बिल्कुल खबर दे देवे, हम 3 दिन पहले से बता देवे ठीक। नहीं नहीं अब उसके लिए हम क्षमा चाहिए थे, उसके लिए नहीं कि चांद की बात है अब हाँ साथ में लड़का उड़का रहे। अच्छा सुनो प्रसादों जो चढ़ाओ तो अपनी आमदनी के हिसाब से, चाहे इतने चढ़ाओ नहीं जरूरी कि लड्डू चढ़ाओ तुम गुड़े चढ़ाओ। अरे बाबा ओ ये तो है बैंक के मैनेजर, नहीं नहीं ये बैंक के मैनेजर हैं, लेकिन कुछ बैंक में जमा भी तो करो भाई, हनुमान जी के सेवा भी तो करो। अभी रामपाल जी के घर जो ये राजसी ठाड़ वाट ये लुटाए हैं तो चमत्कार है। अब पता लगे कि अब यहाँ जो मनाई लड्डू बतासा चढ़ाएगा तो रामपाल जी के घर में खावा जा रहा है, थोड़ा सा महाराज का मिला थोड़ा इनका मिला तो हरम ची आ जाई, और दोनों हाथ से लुटा रहे हैं तो देखो कहाँ हो रहा है, कहाँ भौरे से लखनऊ जिला वहाँ बंदर गंदे के रस पीहीन है लड़का पीहीन है सब, ये चमत्कार तो हो रहा है। दलमऊ में आज कितना रखा गया वो पहन गैया पहन बंदर पहन, ये चमत्कार तो हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो आप भी जो है हनुमान जी में आमदनी नहीं है आप इतने से गुड़े चढ़ाते हो ठीक, जो भी आमदनी हो बाकी सेवा के काम है बच्चन का, हाँ बच्चन का गुड़ बांट दो। देखो अगर या तो बांदर खवाओ, नहीं बांदर तो गैया की सेवा करो ठीक।
घर में रोटी उठी बने तो जन कुकुर है उनका थोड़ा सा दे दी तो बस यही आप लोग करो, यही से बड़े बड़े काम बन गई है। ये दिमाग से निकाल दे बाबा तो बताऊबे नहीं भे, काला कपड़ा लाओ, भालू के खोपड़े लाओ, कोई के बार ले आओ, आयो ऊंट की हड्डी ले आओ, बकरी के लेड़ी लाओ, वही बताई दी सब आडम्बर सब बेकूफी की बातें हैं। ऐसे नहीं दुनिया में नाम हुआ है हमारा, जो बताते हैं सरल उपाय है जो कह सको है ना। और अगर ट्यूबवेल हुए जिसके लगे मान लो तुम्हारे लगे अगल बगल, वह लोगों के हाथ पे जोड़ दो कि महाराज अगर यहाँ देखो पानी की कठिनाई है तो जैसे ट्यूबवेल हुए कोनो गड़वा खड़वा के पानी भरे रहे तो रात में लफरी सियार पियार चरई चमत्कुर कुकुर सब पानी पिए। गर्मी पुण्य नहीं, एक अरे पवा भारी पुण्य हो थे उन्हें, बड़े बड़े काम बन जाते। एक जने के बैठवे नहीं रहा 13 साल तक और कहाँ कहाँ घूम आए, हमरे कान में बात गई, हम कहा महाराज क्या क्या करते हैं आप, कह महाराज मैं इलाहाबाद गया, बिंधा चल गया, हुआ गया हुआ गया, वैष्णो देवी गए, हम कहा हुआ कहेंगे अभी तो हमारा कुछ नहीं, हम कहा दावा तो नहीं करेंगे लेकिन अच्छा अच्छा नहीं तो व्याकुल रहे तो यही सेवा करे, बांदर बांदर खिलाओ नहीं गैया के सेवा करो। अच्छा अब समस्या तो सब जगह है भाई, क्या करी हो। बहरहाल हर आदमी पुण्य, हर आदमी से पुण्य कराओ, पुण्य करे ही हो तो देखो पुण्य करे से भाग्य जो तकदीर है ना वही में पालिश होए लगे। नहीं नहीं आप करो वही के नाम से आप कर दो भाई। देखो अगर लुटिया गंदी है 15 दिन के बाद कतो रिश्तेदारी से लौट के आए और लुटिया गंदी है और जहाँ माटी समाज है तहाँ चमकी ना, तो ये जो हम क्रिया बतावा है यह क्रिया जौन है यह लुटिया माजे के काम करत है, तकदीर तुम्हार साफ होए लगी, कुछ चमत्कार दिखी हो। एक यादव जी 9-6 साल पानी पियाई, कहन महाराज हमका नहीं कुछ जाना, हम कहा तुम्हार लगा का पन ही तो लगा ना, पन ही तो पियाए हौदा तो हम तुमका दीन खरीद के और पिलाओ, मत सोचो कि क्या हुआ। बस हम आज उनका डांटा फटकारा और तेसरे दिन उनके जो दुश्मन रहा उनके पावे टूट गया। अब हमका मेरे अरे हाँ महाराज, कहीं वो जौन सार मुकदमा में हमका परेशान किए रहा महाराज, उनके पाँव टूट गया। हम कहा तो हम कहा रहे कि पियाए रहो नहीं, खड़े रहा था इसे लोगों के ध्यान न दो, ये जानो के राक्षस ही यही जान लो। तुम सेवा के काम करी हो तो भगवान पूरा साथ दे हैं, बस सेवा में लगी रहो। कोई का कहा तो क्या ध्यान न दो, जब हम गाय गधा कुकुर लेके आई रहे तो हमार महतारी हमका पागल कहत रही, हमार मेहरिया छोड़ के भाग के जात रही, तलाक के नौबत आ गई रही, हम कहा कोई के माना नहीं माना, नहीं माना तो आज अंजाम देख लो। हम बड़े बड़े के ढूंढी थे कि बड़े बड़े जौन हुए बड़े भारी महात्मा, आओ महाराज बैठो जरा जरा एक एक पकड़ हो जाए, तुम्हें जन हो हम हो जाना, ये काहे हो रहा है वही जौन पागल लोग कहा था, हम उनके मुँह इतना बड़ा हुई गया। तो धर्म कर्म में लगी रहो, पट्टीदार हुए जौन देख के बड़े जात हैं वो अपने आप ही बढ़ जाएंगे उनका। देखिए आप भगवान की भक्ति में सेवा में लग जाओ, हनुमान जी के हाथ जोड़ो और सेवा करो बस। हाँ नहीं जल चढ़ाओ हाथ जोड़ो लेकिन इनकी सेवा करो। इनकी सेवा क्या है, गाय की सेवा, बंदर की सेवा, कुत्ते की सेवा, छोटे बच्चे हैं उनकी सेवा, सेवा करो, मजूरी करो, इनकी मजूरी यही मजूरी है। मजूरी भाई करी हो ना तो देखो पहियो कुछ ना, मजूरी करना पड़ेगा, हम जिंदगी भर मजूरी कीन है आजो कह रहे हैं, तो ये होता तुम्हारा जब आज्ञा है ठीक चला जाए तो अब हम वाणी को विराम देते हैं, हमारा टेम्पो को रोकवा लीजिए बस, फट से हम रवाना हो जाएं और आपके सारे परिवार को आशीर्वाद है। और आपका नाम भैया? राजेश सिंह। बड़े भाई ये सबसे बड़े वाले दूसरे नंबर दूसरे नंबर।
राजेश सिंह जी, धीरे धीरे नाम सबके याद हुई हमका, तो पूरे परिवार को आप लोग बड़ी सेवा करते हैं, बड़े अच्छे आप लोगों में संस्कार हैं, और पता नहीं कई जन्मन के आप लोगों के ये कर्म कमाई रही, जो पुरखाए हनुमान जी बैठाए गए, ना पुरखा महाराज हनुमान जी बैठाए होती है, ना ही आप लोगों की स्थिति आती है। बहुत बड़ी बात, अरे कोई खा के जाता है महाराज, देते ही बीत रहा, दाता सबसे बड़ा है ना, और धन्य है आपके रामपाल जी। देखिए सब उन्हीं की सोच है, आप बड़े अस्पष्टवादी, कार में इनके साथ जब हम लोग कहाँ रायबली से आई, कहीं बताओ महाराज, अगर आज हम सबका लूटे फूके लगी, मंदिर बेच लिया, मंदिर की जमीन बेच के खाए लगी, तो कलहल कलहल के तो हम मरब, और मौजी मरी है, इशारा के मतलब मौजी पंचे करी है और कलहरी हम, तो हम कहा महाराज वास्तव में ज्ञान है, वास्तव में ज्ञानी हमारे रामपाल जी, ज्ञानी ज्ञानी पुरुष, और ज्ञानी गए इन्हीं कृपा है, वही ज्ञान दे दी सब। तो अब यही है, हर मंगल में आना होगा, और अगर दलमऊ महाराज कभी चलना हो, अभी तो 15 दिन के बाद क्योंकि रस खत्म हो जाएगा, बिटिया जरूर आएगी दिल्ली वाली, जैसे आई तैसे है हम आपका संपर्क करबे, 15 दिन के बाद रस मिल जाएगा, तो रस वही का पिया देवे, यहाँ देखी खुदे दंग रह जाएगी, उसको बड़ा अच्छा लगेगा, और उस दिन अगर दलमऊ हिसाब बनेगा तो चल के स्नान कर लेंगे, भोज कर लेंगे, और उसके बाद में फिर अब अनेठे में आवा करबे तो सवेरे खूब हम सवेरे है आवा करब, है ना, जूड़े जूड़ अपन लोग चले, हमें वही लगे ठंडे ठंडे चले जाए, चले जाए अच्छा रहे। नहीं आवट रही भी, आवट रही भी हमारे कि जब काम नहीं लोग उनका बताई भाई तो मैं अस्करी हो तो ऐसा हुई जाए, अस्करी हो तो ऐसा हुई, कर्म किए जाओ बस, कर्म न करिए।